नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पहाड़ी सफारी में। नमस्ते दोस्तों, तो आज हमें किसी आवश्यक कार्य से देहरादून जाना पड़ रहा है, तो हम लोग निकलेंगे अब सुबह सुबह। क्या टाइम हो रहा है इसमें? अभी सुबह के बजे हैं 5, टेम्परेचर है 17 डिग्री, बहुत ठंडा है मुक्तेश्वर में। और निक्कू भी उठ गई है। हेलो निक्कू। हेलो। अब निक्कू गाड़ी में सो जाएगी। तो दोस्तों, सुबह सुबह मुक्तेश्वर में, अब हम लोग चूँकि काफ़ी समय से देहरादून नहीं गए थे, काम पड़ते ही रहते हैं देहरादून में भी, तो चलिए आज रास्ते में मिलेंगे आपको और मैं दिखाता हूँ सुबह मुक्तेश्वर की। और ये सुबह सुबह का दृश्य, बहुत ही सुंदर, पंछियों की आवाज़ हम हमेशा अपने वीडियो में आपको सुनाते हैं। मुक्तेश्वर महादेव जी का मंदिर आप सामने देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर, पंछियों की आवाज़, चारों की मम्मी प्रणाम करते हुए। निक्कू सुबह से उठ जाता है जल्दी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं रास्ते में। तीतर की आवाज़ बहुत आती है, काफ़ी तीतर हैं, चिड़ियां हैं। और ये पुलम हमेशा की तरह बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे हमारे पड़ोसियों के। और ये आड़ू का पेड़ जो हमने अपने पड़ोसियों से लिया है आड़ू, आप जो है और दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं रामगढ़। रामगढ़ की सुबह सुबह एकदम मार्केट खाली पड़ा है, ज़रूरत की सभी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं, काफ़ी सारी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, मिठाई की दुकानें हैं, और एक तो यहाँ ऑर्गेनिक दालों का स्टोर भी है, दालें मिलती हैं वहाँ। और ये डाक बंगला रोड है, नीचे आप चले जाते हैं डाक बंगला रोड की ओर। तो चलिए अब आपको मिलते हैं आगे भवाली में। और अब हम पहुंच गए भवाली, बहुत ही सुंदर जगह। हर वीडियो में मैं कहता हूं अपने दर्शकों से, सब्सक्राइबर से, कि भवाली एक बहुत ही सुंदर जगह है, रहने के लिए भी, घूमने के लिए भी, सभी चीज़ें हैं, मार्केट है, हॉस्पिटल्स हैं। और अब हम चल रहे हैं नैनीताल की ओर। सामने आप देख रहे हैं पूरा भवाली का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है चोटी तक। भवाली एक अच्छी जगह कह सकते हैं, सब सारी सुविधाएं यहाँ हैं। और यहीं पास में आप सामने देख रहे हैं जो रोड आप देख रहे हैं सामने चौराहा है, यहीं से कैंची धाम, अल्मोड़ा, रानीखेत को रास्ता जाता है राइट साइड में। अब हम लेफ़्ट में टर्न लेंगे क्योंकि हमें नैनीताल जाना है, तो यहाँ से नैनीताल लगभग 12 किलोमीटर होगा। तो अब हम नैनीताल पहुँचने वाले हैं। और ये सामने खूबसूरत नज़ारा नैनी लेक का। अभी सुबह के बजे हैं 7, टेम्परेचर लगभग 18 डिग्री, और सुबह सुबह भी काफ़ी टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी गाड़ियां नज़र आ रही हैं, लोग खड़े हैं। और स्पेशली जो इस समय सुबह के समय जो लेक का दृश्य, बहुत ही मनमोहक कह सकते हैं इसको आप। तो हम लोग पहुँच गए हैं नैनीताल। यहाँ तक आने में हमें लगभग लगा 1.5 घंटा, और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ आया है। और ये बहुत ही शानदार लेक का दृश्य है। चारों की मम्मी खड़ी हैं सामने, कुछ बोलेंगी। इस टाइम तो थोड़ी कम भीड़ है इसलिए हम रुक गए, और काफ़ी ठंडा है यहाँ पे तो इस टाइम, तो लेक का दिखाओ। चलिए अच्छा। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नैनीताल में नैनी लेक का। पानी ज़रूर थोड़ा कम हो गया है, और काफ़ी टूरिस्ट भी आ रहे हैं। अब सुबह सुबह का टाइम है इसलिए हमें खड़े होने का मौका मिल गया। अभी हैं नैनीताल में, लेक के पास खड़े हैं, जा रहे हैं देहरादून। काफ़ी भीड़ है, होटल होम स्टे सब ऑलमोस्ट फुल नज़र आ रहे हैं। कुछ कहेंगे चारों की मम्मी? तो देखते हैं यहाँ पे चाय का कुछ अगर है तो चाय पियेंगे यहाँ पे। और इस समय हम निकल रहे हैं माल रोड पे,
बहुत ही सुंदर लेक का नज़ारा, काफ़ी लोग टहल भी रहे हैं। सुबह सुबह लोग अपने होम स्टे होटल से बाहर आ जाते हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं क्योंकि सुबह वॉक भी अच्छी रहती है, काफ़ी लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं। और इस समय पूरा माल रोड खाली पड़ा है, दोनों माल रोड जो हैं, लोअर अपर माल रोड कहलाते हैं, दोनों खाली हैं एकदम। और दोस्तों बताना चाहूँगा, सैटरडे संडे में तो यहाँ मतलब आप कह सकते हैं कि पैर रखने की जगह नहीं होती है। और आजकल सीज़न का टाइम है, मैदानी क्षेत्रों में बहुत गर्मी है। और हम लोग हैं अभी माल रोड पे, ये भैया चाय बना रहे हैं, चाय अभी पियेंगे, गरम गरम चाय, पीछे झील का नज़ारा। और निक्कू उठ गई है, और हाँ आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। इस समय सुबह सुबह लगभग 6:30-7:30 का टाइम है, पानी काफ़ी कम हो गया है लेक में। और निक्कू भी चाय पी रही है, बिस्किट खा रही है। हेलो निक्कू, कैसे हो? मैं शुक्र ठीक हूँ। अच्छी है, अच्छे कड़क बिस्किट भी लोकल है। तो दोस्तों इस समय नैनीताल में बहुत ठंडा है, टेम्परेचर होगा 18 डिग्री। तो दोस्तों ये था नैनीताल के माल रोड का नज़ारा जो हमने आपको दिखाया। और अब हम निकल पड़े हैं नैनीताल से और पहुंच गए हैं काला ढूंगी के जंगल में। ये हमेशा बहुत अच्छा लगता है और चारों की मम्मी हमेशा यहाँ रिकॉर्ड करती हैं इस दृश्य को आपके लिए। और वास्तव में बहुत सुंदर भी लगता है, दोनों तरफ साल के पेड़ हैं मुझे लगता है ये। और लगभग 6 किलोमीटर का ये जंगल है काला ढूंगी मार्केट तक। और हम पहुंच गए हैं काला ढूंगी, सामने टी पॉइंट है, यहाँ एक म्यूज़ियम भी है जिम कार्बेट के नाम से। हम कभी रुक नहीं पाए यहाँ, लेकिन कभी ज़रूर कोशिश करेंगे यहाँ वीडियो बनाने का। यहाँ से लगभग लेफ्ट में 30 किलोमीटर हल्द्वानी है और 20-25 किलोमीटर बाजपुर है। आ गए फिर ढिल्लन ढाबा, हमेशा की तरह अब यहाँ नाश्ता करेंगे। सुबह चले थे और चारों की मम्मी अब स्वेटर उतर गई है। देखो आगे आ जाओ बेटा, अभी से ही गर्मी लग रही है यहाँ पे। आ गए है अपने, अपने फेवरेट ढाबा ढिल्लन ढाबा। और अब आ गए हम लोग हरिद्वार, बाई तरफ आप देख रहे हैं मनसा देवी मंदिर है और चारों की मम्मी दिखा रही हैं राइट साइड में चंडी देवी मंदिर है। और बीच में ये बहुत ही शानदार हाईवे बना है। तो हरिद्वार में आज बहुत गर्म है, लगभग 43-44 डिग्री टेम्परेचर यहाँ दिख रहा है। और सामने हर की पैड़ी का बहुत ही सुंदर दृश्य है, गंगा जी की निर्मल धारा। काफ़ी लोग हैं, बहुत टूरिस्ट आते हैं हरिद्वार में भी। और सामने देख रहे हैं गंगा जी पानी से लबालब हैं। और ये हम आ गए देहरादून, यहाँ आप देख रहे हैं ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल बना है मॉल ऑफ देहरादून के नाम से। और 1 जून से ये स्टार्ट हुआ है। अभी हम लोग यहाँ नहीं गए हैं, कभी आपको ज़रूर वीडियो दिखाएंगे यहाँ का।
लेकिन बहुत तारीफ सुन रहे हैं इसके, सारे शोरूम हैं इसमें। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल ऑफ उत्तराखंड यू कैन से। और कभी हमें मौका मिलेगा तो ज़रूर आपको वीडियो दिखाएंगे बनाएंगे। और हम लोग पहुंच गए हैं राजपुर रोड, दिलाराम चौक, जाम ही जाम चारों तरफ। और कहीं तो जाम नहीं मिला था, सुबह चलते थे, लेकिन हरिद्वार में और अब देहरादून में मिल रहा है जाम तगड़ा। देहरादून भी आप सोचिए, सीजन का टाइम है, मई जून में काफी भीड़ रहती है यहाँ। चारधाम यात्रा के लोग भी इधर से जाते हैं, मसूरी के लिए तो आते ही हैं, देहरादून भी लोग घूमने आते हैं। तो मई जून में तो देहरादून और जुलाई 15 जुलाई तक यहाँ काफी भीड़ रहती है। आज बहुत गर्मी है देहरादून में भी, टेम्परेचर 38-39 दिख रहा है। हो गई है, अभी रेड लाइट थी। तो हम लोग चल रहे अपने घर की तरफ, सुबह से निकले हैं, 4 बजे उठे थे, तैयार होते होते निकलते हुए 5 बज गया, 7 बजे हम लोग नैनीताल पहुंचे, वहाँ चाय वाय पी, फिर ढिलन ढाबा काशीपुर में वहाँ हमने नाश्ता किया। अब हम अपने घर पहुंचने वाले हैं, सामने आप हमारे फ्लैट देख रहे हैं, इन्हीं फ्लैट में हम रहते हैं, सेकंड फ्लोर पे। ये हमारी प्यारी सी नदी है, आजकल पानी नहीं है इसमें, लेकिन पानी रहता है काफ़ी इसमें। जब मुक्तेश्वर चले थे लगभग 17 डिग्री टेम्परेचर था, और अब लगभग 38-39 डिग्री टेम्परेचर है। तो यही हमारा रेजिडेंस है, यहाँ फ्लैट है। दोस्तों हम लोग पहुंच गए अपने फ्लैट में देहरादून, कुछ कहेंगे चारों की मम्मी? तो सफर ठीक रहा हमारा, लेकिन हरिद्वार में थोड़ी गर्मी, थोड़ी क्या, बहुत गर्मी, 42 भी एक बार लगा टेम्परेचर है वहाँ, और देहरादून में भी अच्छी गर्मी है, यहाँ भी 38-47 है, और जाम तो बहुत था हरिद्वार में, थोड़ा देहरादून में भी मिला जाम। आज का सीजन का टाइम है तो खूब भीड़ रहती है, टूरिस्ट आते हैं, बच्चों की छुट्टियाँ हैं। तो दोस्तों आज सुबह हम चले थे 5 बजे, 7 बजे नैनीताल पहुँचे, चाय वाय पी, ढिलन ढाबे में हमने नाश्ता किया, उसके बाद हरिद्वार, फिर देहरादून, और अब अपने फ्लैट में। लास्ट में कहेंगे कुछ चारों की मम्मी? तो दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे, घूमते रहे हमारी तरह। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें।